अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हसान खालिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टिकली हसान व्लॉग। तो आज बारिश हुई, मैंने सोचा कि चलो आपके लिए एक वीडियो बना दूँगा। ऐसी छोटी सी बारिश हो रही थी तो मैं अपनी छत पे मौजूद ही इस वक्त प्रेजेंटली छत पे, तो हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। तो मैंने मुर्गियाँ जो मुर्गी रखे हैं, तो मैंने कहा चलो उनके ऊपर वीडियो बनाते। ये माशाल्लाह मेरा मुर्गा है, ठीक है, तो ये माशाल्लाह काफ़ी बड़ा हो गया, इसे तकरीबन 4 से 5 मंथ हो गए हैं। तो आज मैं आपको ये दिखाने जा रहा हूँ अपना मुर्गा, माशाल्लाह कितना प्यारा। इसके पर देखें, ये पूंछल के पर कितने बड़े हो गए, माशाल्लाह कितना प्यारा लगता है। हाथ लगाते हैं तो कितना मुलायम और स्मूथ इसके हेयर्स हैं, ठीक है। ये इसके फर हैं, ये गर्दन पे देखते हैं, गर्दन पे जब इसके कितने फर हैं यहाँ पे माशाल्लाह। हाथ लगाएं तो यहाँ पे कितना सुकून मिलता है, कितना मज़ा आता है। और ये माशाल्लाह मेरा मुर्गा जो है ये तकरीबन 4 से 5 मंथ का है। तो जब मैंने ये लिया था तो ये बहुत ही छोटा था, तो मेरे पास मुर्गियाँ थी, पहले मैंने मुर्गियाँ रखी थी, चार मुर्गियाँ थी, एक मुर्गा था। तो उसमें से जो 4 में से 3 मुर्गियाँ मर गई थी, तो एक मुर्गा मुर्गी रह गए थे। मैं एक मुर्गी और ले आया था, तो मैंने कहा चलो ये रख लूँ, मेरा शौक है, शुरू से शौक है। जब मैं छोटा छोटा था तो तकरीबन जब मैं 8-10 साल का, तब से मैं पाल रहा हूँ माशाल्लाह। मेरे तकरीबन 12-15 साल हो गए हैं पालते हुए। तो ये मैंने आपको आपके लिए आज वीडियो बना रहा हूँ। तो ये माशाल्लाह ये देखें इसका कितना बड़ा हो गया, और माशाल्लाह इसकी गर्दन के बाद कितने मुलायम है। तो हाथ, ये जो जानवर है, बेजबान जानवर है, इनको प्यार करने का अपना ही मज़ा आता है माशाल्लाह। इन बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, जैसा कि कई लोगों ने तोते पाले होते हैं, तो मुझे मुर्गियाँ पालने का शौक है, तो मैं मुर्गियाँ पालता हूँ। तो ये देखें माशाल्लाह इसके पास, और ये इसकी हाइट जो है मैं आपको दिखाता हूँ, ये कितनी, ये देखें कितना लंबा है माशाल्लाह, ठीक है। तो अच्छा, मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि ये देखें जी, कई लोगों ने ना मुर्गा मुर्गियाँ पाले होते हैं, कई लोगों ने भी, बहुत से लोगों ने पाले होते हैं, वो बोला क्या करते हैं। अब यहाँ पे ना इनका ये जो जगह है यहाँ पे, ये इनका तो फोटा, यहाँ पे इनका खाना जमा होता है, इसको पेट कहते हैं, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, वो इनको पकड़ते हैं यहाँ से ऐसे ज़ोर से झपट्टा मार के ऐसे पकड़ लेते हैं, ठीक है। इस तरह ज़ोर से नहीं पकड़ना, पकड़ने का तरीका सही क्या है, आपने एक हाथ जो है ना वो आपने यहाँ पे नीचे ऐसे लाना इधर, और दूसरा यहाँ पे, यहाँ से आपने ऐसे आराम से इजीली पकड़ सकते हैं, ऐसे आपको कुछ नहीं होगा। देखा, आपके हाथ की जो उंगलियाँ हैं फिंगर, वो आपके नीचे इसकी जो हड्डी है, रिब्स जो इनकी हड्डी होती है यहाँ पे शुरू में, वहाँ पर आपकी उंगलियाँ रहती हैं, ठीक है। और यहाँ से ऐसे पकड़ें, मगर कई लोग क्या करते हैं तेज़ यहाँ से ऐसे पकड़ के उनको, तो क्योंकि इनके बेजबान जानवर है, बहरहाल ये बोल तो सकते नहीं है, तो बहरहाल इनको दर्द तो होती है। तो ये तो मुर्गी भी मेरी ये है, वो फिर रही है सामने, आ जा इधर, तेरा मुर्गा मेरे पास है, आ जा आ जा आ जा। वो असल में ना छत से थोड़ा कुछ कुछ खा रही है, उसने कहा चलो मौका मिला चौका मारते कुछ ना कुछ खा लेते हैं। बहरहाल छत पे मिलने वाला तो ये है कि बाजरा बूजरा होता है या कुछ खाना डाला होता है, वो साइडों में पड़ा वो ही खा रहे होते हैं। तो ये माशाल्लाह मुर्गा मुझे इसको बहुत पसंद है, इसको प्यार करना बहुत मज़ा आता है। ये देखिए मैं इतना करता हूँ तो मज़ा आता है। और कई लोग मुझे कह रहे होते हैं कि मैंने ये बाहर छोड़ा था, कहते हैं कि ये सीन मुर्गा है। अरे भाई ये सीन मुर्गा नहीं है, ठीक है। जो सीन मुर्गा है ना उसकी निशानी होती है उसकी जो गर्दन है ना, गर्दन, ये बाल इतने भरे हुए नहीं होते, भरे हुए बाल नहीं होते, उसके बाल ज़रा कम होते हैं, उसकी गर्दन काफ़ी लंबी होती है, और वो उसकी टांगें भी काफ़ी लंबी होती हैं, उसके बाल बहुत थोड़े थोड़े होते हैं, उसके बाल इतने ज़्यादा नहीं होते। उसका मुंह भी ज़रा गोल सा होता है, इसका मुंह ज़रा, इनका मुंह ज़रा लंबा होता है, बीक जो इनकी चूँच है वो ज़रा लंबी सी होती है, उसकी लंबी नहीं होती, उनकी चूँच जो ज़रा गोल सी होती है, और वो मुंह गोल सा होता है उनका, गर्दन उनकी लंबी होती है और बाल उनके कम होते हैं, ठीक है। यहाँ से साइड से ना ज़रा गर्दन जहाँ पे खत्म, वहाँ से थोड़े थोड़े गंजे भी होते हैं, तो ये उनमें फ़र्क होता है। ये सीन मुर्गा नहीं है, ये माशाल्लाह जब मैंने लिया था छोटा सा लिया था, तब ये मुर्गी जो थी मुँह से मारती थी, ये मुर्गी से मारती थी, अब माशाल्लाह ये इतना बड़ा हो गया, मुर्गी इसके सामने बहुत छोटी लगती है, और ये आजकल मुर्गी को बहुत मारता है। और तो और मज़े की बात ये है कि ये मैं जब अक्सर बाहर ये पार्क में छोड़ता हूँ, तो ये लोग जो है क्या नाम है, हमारे यहाँ पे जो आवाम है, जनता है, पब्लिक है, उसको बहुत डराते हैं। ये जो मुर्गा ना ये पड़ जाता है हर किसी को, इनकी चूंजी मारता है, क्योंकि माशाल्लाह काफ़ी बड़ा हो गया, तो ये अब इसलिए तंग करता है। एक दिन तो बच्चे को पड़ गया था, बेचारा बच्चा छोटा था और उसके टांगों को पड़ गया था, बड़ी मुश्किल से रोका। ये देखिए इसके बाल माशाल्लाह कितने, जब मैं लाया था इसकी बिल्कुल भी पूंछ नहीं थी, ये इतना सा था, छोटा सा था, तकरीबन ये 15 से 20 दिन या 25 दिन या हद एक मंथ का था। अब मेरे पास ये 4-5 मंथ हो गए, ये मेरे पास है तकरीबन 5-6 मंथ का ये है। तो माशाल्लाह मुर्गी इसके सामने ज़रा हेल्दी लगती थी, अब मुर्गी जो है वो ज़रा इसके सामने बहुत कमज़ोर लगती है, अब क्योंकि मुर्गा माशाल्लाह काफ़ी बड़ा हो गया, और वो जो मुर्गी है वो असल में अंडे देती हैं, इसलिए वो ज़रा उनका वज़न जो है वो कम होता है, और वो उनका साइज़ भी ज़रा छोटा हो जाता है जब अंडे देने जाती है, ठीक है। तो ये मुर्गा जो है ये माशाल्लाह ये काफ़ी फूला हुआ है मेरा, ये देखिए किस तरह मज़ा आता है, इसके बालों पर हाथ लगाए हम, ये देखिए माशाल्लाह कितने ही प्यारे बाल हैं, देखिए किस तरह माशाल्लाह मज़ा आता है। तो
इसके साथ इतना ही, मैंने कहा चलो आपके साथ एक शुगली वीडियो, इंटरटेनमेंट की वीडियो जो है अपलोड कर देता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।